नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने जो विद्या स्टार्ट कर रखी थी, जितनी भी थी उनके हमने पांच पार्ट कर लिए थे। आज हमारा पार्ट नंबर 6 है, ठीक है। और हमारे पार्ट का नाम क्या रहेगा? व्यवहारवाद, व्यवहारवाद। और मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक नीचे दे दिया है, आप किसी ने भी वीडियो देखनी है तो वहां जाकर देख सकता है। देखो, शुरू करते हैं व्यवहारवाद। तो सबसे पहले तो यही आता है कि व्यवहारवाद कब आया। तो कब आया? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में कौन आया? व्यवहारवाद, व्यवहारवादी सिद्धांत भी बोल सकते हैं हम इसको। कब आया? 1913 ईस्वी में आया, ठीक है। और इस संप्रदाय के जनक कौन है? दूसरे नंबर पर बात आती है कि व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है। वाटसन, आपने नाम सुना होगा, इस संप्रदाय के जनक हैं। और वाटसन कहाँ के थे? अमेरिका के निवासी थे वाटसन, ठीक है। कहाँ के? अमेरिका, ठीक है। और वाटसन का जो समय काल था कब से कब तक रहा? जो वाटसन का समय काल था वो 1878 से लेकर 1958 तक था। इसका समय काल 1878 से लेकर 1958 तक था, ठीक है, क्लियर। एक चीज बताई मैंने अभी तक कि व्यवहारवाद 1913 में, और इसके जनक वाटसन कहाँ के थे? अमेरिका के थे। जरूरी नहीं ये ऑप्शन याद रखो, एक बार नजर मार लो, अगर आगे कभी पूछता है तो याद रह जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि वाटसन जो है, वाटसन के इस वाद की जो विचारधारा है किसके परीक्षणों के परिणामों पर आधारित है? बताओ कि वाटसन का जो ये वाद है, इस पर जो इसने विचारधारा की गई है, ये किसके परिणामों परीक्षणों के परिणाम पर आधारित है? किसके? ई पालो पे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इस वाद की विचारधारा वाटसन के वाद की विचारधारा ई पावलो के परिणामों पर आधारित है, परिणामों पर आधारित है। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कि जो व्यवहारवाद है वो वाटसन का है, तो ये किसके परिणामों पर आधारित है? तो किसके? जो ई पालो है इनके परिणामों पर आधारित है, ठीक है। अब बात आती है जो ई पालो है ये कहाँ के हैं? ये रूसी हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? ये रूसी मनोवैज्ञानिक है या रूसी भी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलते हैं कि जो मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा इसी सिद्धांत ने दिया था। इसी सिद्धांत का मतलब क्या? व्यवहारवाद ने, ठीक है, या फिर ये कह सकता हूं कि इसी सिद्धांत द्वारा दिलाया गया है। तो मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा इसी संप्रदाय ने दिलाया था, ठीक है। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा इसी संप्रदाय ने दिलाया था। तो पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, चार ऑप्शन देगा कि बताओ मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा किस संप्रदाय ने दिलाया था। तो किस संप्रदाय ने दिलाया था? व्यवहारवाद ने। किसने दिलाया था? व्यवहारवाद ने, ठीक है। और व्यवहारवाद के बाद हम क्या करते हैं कि इसके अनुसार प्रत्येक व्यवहार सिखाया जाता है। नाम में ही क्लियर है, व्यवहार। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी व्यवहार हो रहा है उसको सिखाया जाता है, ठीक है। अब इसने क्या क्या किए, अब ये देखते हैं। नंबर पॉइंट चार पर आता है कि जो बच्चे का सर्वांगीण विकास है, ठीक है, अब उस विकास के लिए जो शैक्षिक वातावरण की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे शिक्षा के जगत में इसने क्रांति ला दी। तो सिंपल सी बात है
कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए इसने क्या किया, जो शैक्षिक वातावरण होता है, अच्छा वातावरण होता है, उसकी आवश्यकता पर जोर डाला इसने। और उसकी आवश्यकता पर जोर डाला तो जो भी जो शिक्षा का जगत है उसमें एक तरीके से क्रांति आ गई थी या ला दी थी। तो ये भी बोल सकता हूँ मैं कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, जो शैक्षिक वातावरण है, शैक्षिक वातावरण की आवश्यकता पर जोर डाला इसने, आवश्यकता पर जोर डाला जिससे शिक्षा जगत में क्रांति ला दी। ठीक है, तो पेपर में पूछ सकता है किस पर जोर डाला, जो शैक्षिक वातावरण है इस पर इसने जोर डाला। क्यों डाला? क्योंकि बच्चे का अच्छा विकास हो सके। ठीक है, और जो भी दंड देते थे, दंड की जगह इसने क्या कर दिया, जो पुरस्कार है वो कर दिया। मतलब कि पहले जो मान लो दंड देते हैं हम किसी को, तो इस व्यवहारवाद ने क्या किया कि दंड की जगह पुरस्कार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की सोची, या इसी की देन है ये भी बोल सकते हैं। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ जो दंड की जगह पुरस्कार देते हैं वह इसी संप्रदाय की देन है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि दंड की जगह है पुरस्कार द्वारा जो हम व्यवहार में परिवर्तन करने की सोचते हैं, व्यवहार परिवर्तन इसी संप्रदाय की देन है। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछेगा, बताओ कि दंड की जगह जो पुरस्कार दिया जाता है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, तो वह है किस संप्रदाय की देन है? तो किस संप्रदाय की देन है? व्यवहारवाद संप्रदाय की देन है। ठीक है, इस संप्रदाय में क्या हुआ कि इस संप्रदाय में मनोवैज्ञानिकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैं यहां लिख सकता हूं कि मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, मानव व्यवहार की व्याख्या करना। ठीक है, नंबर एक, मानव व्यवहार की व्याख्या। ठीक है, नंबर दो, नियंत्रण। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि नियंत्रण एवं जो उसके संबंध हैं, उसके संबंध में भविष्यवाणी करना, में भविष्यवाणी करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? जो मानव व्यवहार है उसकी एक अच्छी तरीके से व्याख्या करना पूरा। ठीक है, या फिर ये बोल सकता हूँ जो नियंत्रण रखता है वे चीज़ें, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो उसके संबंध है आपस में वो, या फिर उनके व्यवहार का जो भी है क्या करना, भविष्यवाणी करना। ठीक है, अब देखो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं। देखो, व्यवहारवाद, सिंपल सी बात, व्यवहारवाद का सबसे पहले आया कब आया? 1913 में आया। फिर चलो, फिर उसके बाद क्या पूछ सकता है इससे रिलेटेड कि इसके जनक बताओ, तो वाटसन इसके जनक थे। फिर वाटसन कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, वाटसन का जो भी जो ये संप्रदाय है, मतलब कि व्यवहारवाद संप्रदाय है, यह किसके परिणामों पर आधारित है? यह किसके परिणामों पर आधारित है? यह ई पावलो। ठीक है, और ई पावलो कहाँ के थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। क्लियर, तो एक क्वेश्चन बढ़िया बनता है ये कि किसके परिणामों पर आधारित है? ई पावलो के परिणामों पर आधारित। ठीक है, फिर मनोविज्ञान को जो विज्ञान का दर्जा था इसी संप्रदाय ने दिलाया था। इसी संप्रदाय का मतलब व्यवहारवाद को पेपर में डायरेक्ट पूछेगा विज्ञान का दर्जा किस संप्रदाय ने दिलाया था, तो व्यवहारवाद ने। ठीक है, तो एक पॉइंट अगर आप ये भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि इसी संप्रदाय के अनुसार या फिर इनके अनुसार प्रत्येक व्यवहार सिखाया जाता है। यहां लिख देता हूं कि इनके अनुसार प्रत्येक व्यवहार सिखाया जाता है,
प्रत्येक का मतलब जो भी व्यवहार है, हर प्रकार का व्यवहार सिखाया जाता है, प्रत्येक व्यवहार सिखाया जाता है। ठीक है, व्यवहार की बात हो रही है तो व्यवहार तो सिखाएगा ही, ठीक है, तो ये क्लियर कर सकते हो। फिर आगे क्या आया कि जो भी बच्चे का सर्वांगीण विकास है, वाटसन ने सोचा कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए एक जो शैक्षिक वातावरण है उसकी भी ज़रूरत है। तो अगर बच्चे को शैक्षिक वातावरण की ज़रूरत है तो इसने क्या किया, उसकी आवश्यकता पर उसने जोर डाला। जोर डालने के बाद वही काम तो जरूर होगा ही, जिससे शिक्षा जगत में क्रांति आ गई या ला दी। ठीक है, फिर इसने एक काम और अच्छा किया कि बच्चे का ना जो व्यवहार है उसको हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, अब हम बच्चे को दंड दे रहे हैं तो क्यों ना हम दंड की जगह उसको कुछ पुरस्कार दे दें या कुछ और चीज़ें दे दें, जिससे बच्चे का मन खुश हो जाए या फिर उत्साहित हो जाए, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सके। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं एक तरीके से हम कि दंड की जगह जो पुरस्कार दिया जाता है या पुरस्कार द्वारा जो व्यवहार परिवर्तन किया जाता है, इसी संप्रदाय की देन है। ठीक है, तो जो इसका मुख्य उद्देश्य रहा, मुख्य उद्देश्य क्या रहा कि जो मानव व्यवहार है, आदमी का जो व्यवहार है, उसकी हम पूरी तरीके से एक व्याख्या करें। ठीक है, या फिर दूसरा ये भी बोल सकता हूँ कि नियंत्रण करना सीखें, या फिर तीसरा ये भी बोल सकता हूँ कि जो भी उसका उच्च संबंध है तो उसके संबंध में क्या करना, भविष्यवाणी करना है। ठीक है, तो ये व्यवहारवाद संप्रदाय था, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।